हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर जो मेरी ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा यंग लोगों की है, और ये यंग लोग ज़्यादा बिजनेस के बारे में समझते नहीं हैं। वो लोग समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या फिर आप बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हो तो ही आप किसी भी बिज़नेस में बड़ी पोजिशन पर आप पहुँच सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आज एक आपको स्टोरी बताने वाला हूँ जिसने कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा है और मेरा ये जो मिसकंसेप्शन है ये क्लियर करें। ये स्टोरी मैंने ली है एक बुक गुड टू ग्रेट से। हालांकि मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाया है गुड टू ग्रेट के ऊपर, पर वो वीडियो आपको पसंद नहीं आया है क्योंकि वो एक बुक रिकमेंडेशन वीडियो था, और मैं समझता हूँ कि लोगों को बुक रिकमेंडेशन वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आते तो ये वीडियो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है ये स्टोरी आप तक पहुँचाने के लिए। ये स्टोरी एक बुक गुड टू ग्रेट से ली हुई है, और ये बुक के ऑथर जो हैं जिम कॉलिंस, उन्होंने 5 साल रिसर्च करने के बाद इस बुक को लिखा है। और इस बुक में उन्होंने सिर्फ 11 कंपनीज को सिलेक्ट किया है, कुछ कई सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से, और ये वो 11 कंपनीज हैं जिन्होंने कि ट्रांसफॉर्म किया है अपनी कंपनी को एक गुड कंपनी से एक ग्रेट कंपनी पे, यानी कि एक एक एवरेज कंपनी से एक बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग कंपनी में। इस बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है लेवल 5 लीडर्स। तो ये जो स्टोरी है मैं इस चैप्टर में से उठा रहा हूँ। तो बात 1971 की है जब चार्ल्स डार्विन नाम के एक बहुत ही आम इंसान को सीईओ बना दिया गया था किम्बर्ली क्लार्क का। किम्बर्ली क्लार्क एक बहुत ही पुरानी पेपर बेस्ड कंपनी है जिसके कि स्टॉक रिटर्न्स जनरल मार्केट के 36% पीछे हैं। डार्विन स्मिथ एक काफ़ी जेंटलमैनली इंसान थे और कंपनी के ही एक लॉयर थे। जब उनको सीईओ बनाया गया तो कंपनी के ही एक डायरेक्टर ने उन्हें अलग से आके पर्सनली बोला कि कई सारे क्वालिफिकेशंस उनमें मिसिंग थे, पर फिर भी उन्हें सीईओ बना दिया गया। खैर, वो सीईओ बने और वो सीईओ रहे 20 साल तक, और इन 20 सालों में उन्होंने किम्बर्ली क्लार्क को दुनिया की सबसे अच्छी पेपर बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी बना डाला। किम्बर्ली क्लार्क ने स्कॉट पेपर्स और पीएनजी जैसी बड़ी कंपनीज को बीट कर दिया। उनका जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस था वो कोका कोला, एचपी, 3M और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ज़्यादा अच्छा था। कोई भी आज डार्विन स्मिथ के बारे में बात नहीं करता है, यहाँ तक कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तक डार्विन स्मिथ के बारे में बात नहीं करते हैं। और ऑथर ने कहा है कि उन्हें यही अच्छा लगता क्योंकि वो काफ़ी हम्बल और काफ़ी सिंपल इंसान थे जिनके कि दोस्त हुआ करते थे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस जैसे। वो अपनी छुट्टियाँ भी अपने फार्म पे बताया करते थे फार्मिंग रिलेटेड काम करते हुए। ना तो उनका कोई हीरो स्टेटस था ना कोई सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल। एक बार जब एक वॉल स्ट्रीट जनरल उनके पास आए और उनके मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने एक फार्मर की तरह कपड़े पहने हुए थे और मोटे मोटे चश्मे लगाए हुए थे, और उन्होंने कहा कि उनका तरीका इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब अनकन्वेंशनल, काफ़ी हटके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी उनके ऊपर कोई फ्लैशी आर्टिकल नहीं लिखा। पर अगर आप सोच रहे हैं कि डार्विन स्मिथ किसी की भी बात में आ जाने वाले एक सॉफ्ट इंसान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो भले ही शाय और ऑकवर्ड हैं और उनको ज़्यादा प्रिटेंशन पसंद नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा फर्म डिटर्मिनेशन वाले इंसान थे, काफ़ी स्ट्रांग विल था उनका। वो एक फार्म पर पले बड़े थे और एक इंटरनेशनल हार्वेस्टर में काम करा करते थे अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार काम करते करते उनकी उंगली चली गई, फिर भी अगले दिन वो कॉलेज भी गए और काम पर भी गए, और फिर आगे चलकर वो सीईओ बने। और सीईओ बनने के 2 महीने बाद ही एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें नोज़ और थ्रोट कैंसर है, और उन्हें कहा कि उनके पास सिर्फ 1 साल का समय है जीने के लिए। उन्होंने ये बात अपनी कंपनी पे जाके बोर्ड को बताई और कहा कि उनका कोई मरने का इरादा नहीं, और वो पूरे डेडिकेशन से अपने काम करते रहे। और साथ साथ उन्हें रेडिएशन थेरेपी के लिए दूसरे शहर भी जाना पड़ता था, पर फिर भी वे अगले 25 साल तक और जी। और इसी तरह का डिटर्मिनेशन वो अपनी कंपनी किम्बर्ली क्लार्क में भी लेकर आए। उनने और उनकी टीम ने एक बहुत ही ड्रामेटिक डिसीजन लिया जो कि था पेपर मिल्स को बेच देने का। आप सोचिए आप कि किम्बर्ली क्लार्क एक पेपर बेस्ड कंपनी है और कोई कंपनी अपने ही सारे के सारे मिल्स बेच दे तो कंपनी काम कैसे करेगी। कंपनी का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो कोटेड पेपर्स बनाने का था जो कि काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला था। ये ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं था, पर यह काम कंपनी कर रही थी क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं था। डार्विन और उनकी टीम ने बोर्ड को कन्विंस किया कि अगर वो कंज्यूमर बेस्ड पेपर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में घुस गए तो पीएनजी जैसे वर्ल्ड क्लास कंपनी से कम्पीट करने के चक्कर में उनकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये उसी तरह का डिसीजन था जैसे कोई आर्मी जनरल आए बोट से और बोल दे कि बोट को जला दो, तो आर्मी के पास सिर्फ 2 ही डिसीजन बचेंगे, या तो करो या तो मरो, डू और डाई। एक बोर्ड मेंबर ने कहा कि इससे ज्यादा बहादुर डिसीजन उन्होंने कभी नहीं देखा। कंपनी की जो 2 लोकेशन थे उन दोनों ही लोकेशन के सारे मिल्स को बेच दिया गया और सारा पैसा कंज्यूमर बिजनेस में लगा दिया गया।
कंपनी ने कुछ कंज्यूमर बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, जैसे कि हगीज और क्लीनिक्स। बिजनेस मीडिया ने इस मूव को बहुत ही बेवकूफों वाला मूव कहा। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट ने कहा कि यह बहुत ही बुरा स्टॉक है। लेकिन डार्विन स्मिथ अड़े रहे और 25 साल बाद किम्बर्ली क्लार्क ने स्कॉट पेपर्स, जो उनका एक कॉम्पिटिटर थे, उनको खरीद लिया और PNG को 8 में से 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज में बीट कर दिया। जब डार्विन स्मिथ से रिटायरमेंट के बाद इस बार में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, आई नेवर स्टॉप ट्राइंग टू बिकम क्वालिफाइड फॉर द जॉब, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ एक अच्छा CEO बनने की ही कोशिश करते रहे। तो ये थी स्टोरी डार्विन स्मिथ और किम्बर्ली क्लार्क की। ऑथर ने डार्विन स्मिथ को एक लेवल 5 लीडर कहा है, और लेवल 5 लीडर्स में दो क्वालिटीज होती हैं, एक ह्यूमिलिटी और प्रोफेशनल विल। डार्विन स्मिथ के रिजॉल्व की वजह से ही किम्बर्ली क्लार्क जैसी कंपनी गुड कंपनी से एक ग्रेट कंपनी बन पाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल TNL डिजिटल मार्केटिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।